रिलायंस जियो सिम के बाद फीचर फोन आया, इसके बाद रिलायंस जियो ने स्मार्टफोन लॉन्च किया। अब जल्द ही रिलायंस जियो की तरफ से दो बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियोफोन 5G और जियोबुक लैपटॉप पर काम चल रहा है। पिछले कुछ समय से जियोबुक लैपटॉप की रिपोर्ट आनी तेज हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जियोबुक में विंडोज 10 दिया जाएगा और ये ARM बेस्ड लैपटॉप होगा। बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो के लैपटॉप का जिक्र हार्डवेयर सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट में भी है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट में इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। इस फाइलिंग में एक चीनी कंपनी का भी जिक्र है जो OEM है, यानी वही कंपनी जियो के लैपटॉप का प्रोडक्शन करेगी। एमडोर डिजिटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम की एक चीनी कंपनी है जो जियोबुक लैपटॉप का प्रोडक्शन कर सकती है। जियोबुक लैपटॉप के संभावित फीचर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में HD डिस्प्ले दी जाएगी। इस लैपटॉप में 2GB रैम का भी वेरिएंट दिया जाएगा। बेंचमार्क वेबसाइट Geekbench के मुताबिक इस लैपटॉप में MediaTek MT8788 चिपसेट दिया जाएगा। जियोबुक लैपटॉप में जियो के कई सारे एप्स पहले ही लोडेड मिलेंगे। ये अफोर्डेबल लैपटॉप होगा और इसमें कनेक्टिविटी के लिए HDMI पोर्ट सहित Wi-Fi और ब्लूटूथ जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। आने वाले समय में जियोबुक लैपटॉप को लेकर और भी क्लैरिटी मिल सकती है। हालांकि जियोबुक लैपटॉप से पहले कंपनी जियोफोन 5G लॉन्च पर फोकस कर सकती है। बहरहाल आने वाले समय में रिलायंस जियो जियोबुक लैपटॉप और जियोफोन 5G को लॉन्च कर सकती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।